कैसे हो आप? मैम ये राइट, मैम ये आप जी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन रुबीना जी सेंटर मैम मेरे पास देखा ही नहीं बहुत बेकाली बॉडी शुक्ला जी क्या कर रहा मेरा वाला अरे शुक्ला जी अभिनव सर इधर ये वाला आते आते 11 मिलियन हो जाएगा सर एक दूसरे को देखो ना जरा शादी में है वेडिंग फोटोग्राफर पहले वेडिंग फोटोग्राफर था इसीलिए रखा अरे खेत रहा आती थी सेंटर ये अच्छा था अभी इधर ये साइड कौन लाइट दे रहा है यार सेंटर बिग बॉस ओटीटी चालू हो गया यहाँ पे भी दीजिए मैम बिग बॉस ओटीटी चालू हो गया फिर भी हम एक्स कंटेस्टेंट को मिलना है क्या थैंक यू सेंटर आपकी आंखें चमक रही है रुबीना जी आंखों में चमक अरे यार मोबाइल शुक्ला जी ये आंखों की चमक है अरे पांडे मोबाइल छीन लेगा तेरा 50 रुपए मैडम सेंटर यहाँ पे थैंक यू बहुत बढ़िया भाभी मैडम जी कहाँ मैडम जी फिलहाल नहीं आए नहीं आए नहीं सरप्राइज है गाड़ी में है नहीं है सीरियसली नहीं है अरे सच्ची में है गाड़ी में अरे सच्ची में नहीं है थोड़ा सा आप लोग पहले मेरे मैम आगे में हो कैसे हो आप लोग सब लोग क्या चल रहा है ट्रबल चल रहा है यहाँ पे ट्रंस चल रहा है हम सब पुकारे तेरी पूर्ति चलिए सर आपके गाने का बहुत प्यार मिलता है तहे दिल से शुक्रिया सभी को बिकॉज हमने बहुत प्यार से गाना बनाया है और आपका इतना प्यार देखकर इट इज एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स थैंक यू बहुत अच्छा हालांकि हम अभी ऐसे आमने सामने रूबरू नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ आर शूटिंग एंड वर्क स्केड्यूल्स बट जितना भी उनसे लाइव सेशन में बात हुई जितनी भी उनसे हमने एक नॉर्मल कम्युनिकेशन वगैरह की ही कम्स अक्रॉस एज अ फैंटास्टिक गाय और उनकी वो जो खूबसूरती दिल की खूबसूरती उनकी आवाज़ में मतलब ऑटोमेटिकली झलकती है सो इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट थैंक यू मैं मुझे ना ऑनेस्टली मुझे तैयार होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है इट्स जस्ट गर्मी हो तो टिश्यू पेपर से डैप कर दो पसीना ज़्यादा आए तो पाउडर लगा दो फिनिश और गाने की बात करें तो गाना बहुत ही अच्छा है सर के साथ आपने किया है मतलब रोमांटिक गाना लग रहा है और चाय के साथ मस्ती हो रही है रोमांस हो रहा है
क्या कहना चाहिए? ये ना रोमांस ओवर द कप ऑफ टी है. सो चाय का जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यू नो किरदार है पूरे गाने में. और कैसे एक छोटा सा लव स्टोरी एक छोटे से शहर की सभी के दिलों को छूती है. सो दैट्स अबाउट द सॉन्ग. जब पूरा दिन मैं इंतज़ार करती हूँ और मैं देखती हूँ कि अभी तक वो आई नहीं है और क्यों नहीं आया, क्या हुआ, एंड सडनली नेक्स्ट मॉर्निंग मैं देखती हूँ. सो यू नो दैट स्माइल दैट कम्स एंड यू नो वो अपना हाथ ऐसे उठाते हैं. सो मतलब इट इज़ लाइक ओ माई गॉड कंसर्न एंड दैट टू लव एंड दैट टू शाइनस एंड दैट टू यू नो एक्साइटमेंट ऑफ लुकिंग एट हिम. सो वो इतने सारे इमोशंस एक साथ वो 10 सेकेंड में जो दिए हैं और जो किया था. सो इट वॉज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो काफ़ी सारे ट्रांजिशंस एक साथ ही थे. सो आई मीन दैट वॉज माई फेवरेट सीन. किसके बारे में? लोकेशन लोकेशन मलेरकोटला पंजाब में बहुत ही सुंदर जगह है. और हमने जब लोकेशन पहली बार देखी, हम जब शूट कर रहे थे, अपने आप वो गाना मैं विजुअलाइज कर पा रही थी कि कैसे वो गाना बनेगा. एंड ट्रस्ट मी जैसा सोचा था वैसा ही गाना बना है और बहुत मज़ा आया शूटिंग करके. तो हाँ वो उन्होंने कहीं ना कहीं वो हिंट दिया कि मुझे लाल पसंद है, तो मैंने फटाफट से यू नो आई पिक्ड अप द लाल सलवार कमीज. रुबीना मैम, देश में काफ़ी खुशी का दिन है कल से. अगर हम बात करें इन दिनों लगातार हॉकी हो या गोल्ड मिला है नीरज चोपड़ा के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके देश गौरव? आई मीन देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा एक मोमेंट है. और आई मीन एज अ इंडियन ऑल्सो आई फील सो 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 प्राउड. और वैसे भी आप कोई भी गेम उठाकर देख लीजिए, इंडिया इज़ यू नो कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्राउड टू से दैट इंडिया एज़ अ कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग सच स्ट्रॉन्ग एथलीट्स. और हम हर क्षेत्र में अपने आप को जगह जगह जाकर एक परिपूर्ण रूप से दर्शा रहे हैं. सो आई थिंक एज अ नेशन इट इज़ लाइक अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस. हाँ जी हाँ जी. जी मुझे मज़ा टेलीविज़न पर आता है, बट ऑफकोर्स OTT पर लाइव आ रहा है 24/7 होगा. जैसा मेरा सीज़न था 24/7 लाइव था. सो OTT पर इस बार सुनने में आ रहा है दैट यू नो इट्स गोन बी डिफरेंट एंड समथिंग मोर क्रेजी. सो आई थिंक आप सभी दर्शकों को मज़ा आने वाला है और वूट पर आप लोग जो हैं लगातार 24 घंटे देखते ही रहेंगे, ये मेरा भी दावा है. बिल्कुल प्यार मिला है क्योंकि गाना ही बहुत अच्छा था. मिश्रा जी की आवाज़ इतनी अच्छी थी, ऊपर से गाना बहुत अच्छे से फिल्माया गया है और रुबीना है बीच में, तो क्यों ना मिले प्यार, मैं हूँ बीच में, तो थैंक यू. लेकिन और प्यार चाहिए थोड़ा, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो ऑन रिपीट. करेक्ट. 10 मिलियन भी हो गया. करेक्ट. लाइक आई सेड यार गाना ही अच्छा है, तो मतलब वो सुनने को भी, मतलब जो लोग जो सिर्फ लिसनर्स हैं जो हमको नहीं जानते, इवन दे आर सेइंग कि यार वी लव द सॉन्ग. सो आई थिंक इट्स रियली गोइंग टू पिक अप नाउ और अच्छा होगा. बिल्कुल. एक्चुअली हम शूट नहीं इकट्ठे कर पाए, विशाल और हम शूट नहीं कर पाए, बिकॉज जब वो शूट करने आ रहे थे तो हमको वैसे जाना था घर, बिकॉज मैं लुधियाना में ही शूट कर रहा था, मेरा होम टाउन. सो मुझे माँ बाप के आम और वो आलू के पराठे वेट कर रहे थे तो हम मिल नहीं पाए, लेकिन मिलेंगे ज़रूर जल्दी. लोकेशन की बात करें तो बहुत प्यारा लोकेशन शूट हुआ है. करेक्ट. वो एक्चुअली एक बहुत पुराना शहर है मलेरकोटला, बहुत उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है. और कोइंसिडेंटली मेरे कुछ मदर के रिलेटिव भी वहाँ रहते हैं, तो एक जब मैं छोटा था तब गया था, उसके बाद अब गया हूँ काम करने. सो बहुत चेंज हो गया है वो, स्मॉल टाउन से अब बड़ा एक ह्यूज टाउन बन गया है वो. सब इस बार हाँ
यार ये बोलूँगा कि OTT पे आ रहा है तो और धमाल होगा और ओवर द टॉप होगा, और अभी देखते हैं कौन कौन घर के अंदर है। एक मिनट, 8:19 हो रहे हैं भाई, अभी तो रिवील हो गया होगा कौन कौन है। हाँ, ही इज़ आई थिंक ही इज़ वेरी